रिचल जब होश में आती है तो अपने आप को एक बिस्तर में बंधा हुआ पाती है और तभी उसे लेबर पेन होना शुरू हो जाता है, जिसमें एग्नेस उसे बताती है कि मैंने तुम्हारे खाने में एक दवाई मिला दी थी जिससे तुम्हारी वक्त से पहले ही डिलीवरी हो जाएगी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस फैमिली को रिचल के ऊपर कोई भी दिलचस्पी नहीं है, बल्कि वो लोग रिचल के बच्चे को चाहते हैं और इसीलिए वो लोग रिचल को पकड़ कर रखे हैं। दरअसल ये फैमिली एक पागल फैमिली है और ये लोग ऐसे ही प्रेग्नेंट औरतों को पकड़ कर उनके पास से उनके बच्चे को छीन लेते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जिनमें से हस्बैंड का नाम था मैक और वाइफ की नाम थी रिचल, जो कि प्रेग्नेंट थी। यहाँ पर वो लोग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए कोई अच्छी जगह पर जा रहे थे। इसी बीच वो दोनों देखते हैं कि आगे रास्ता बंद है, इसीलिए मैक गाड़ी को घुमाकर जंगल से होकर एक दूसरे रास्ते में आगे बढ़ने लगता है। तभी रास्ते में एक टूटी हुई नाव को देखकर उसका ध्यान भटक जाता है और उसका कार एक पेड़ में जाकर टकरा जाता है, जिससे उन दोनों को तो कुछ भी नहीं होता पर उनके कार का पूरी तरीके से सत्यानाश हो जाता है, जिस वजह से वो दोनों फैसला करते हैं कि वो दोनों पैदल ही मदद लाने के लिए आगे जाएंगे। इसीलिए वो लोग जंगल के रास्ते से होकर आगे बढ़ने लगते हैं, पर रिचल प्रेग्नेंट थी इसीलिए उसे चलने में काफी दिक्कत हो रही थी। इसीलिए मैक एक पेड़ के ऊपर चढ़कर किसी तरीके से फोन के सिग्नल को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी उसे वहाँ पर कोई सिग्नल तो नहीं मिलता, पर थोड़ी दूर पर उसे एक फार्म नजर आता है। इसीलिए वो रिचल को लेकर उस फार्म की तरफ जाने लगता है ताकि उसे वहाँ से कुछ मदद मिल सके। काफी दूर जाने के बाद जब वो दोनों उस फार्म के पास पहुँचते हैं तभी वो दोनों देखते हैं कि वहाँ पर एक बोर्ड में लिखा हुआ था कि ये जगह एक प्राइवेट जगह है और यहाँ पर किसी की भी आने की इजाजत नहीं है। अब इस वार्निंग को पढ़ने के बावजूद मैक रिचल को लेकर उसके अंदर जाता है क्योंकि रिचल की तबीयत काफी खराब हो रही थी। थोड़ी देर में बॉब नाम का एक आदमी कार लेकर वहाँ पर आ जाता है और वो मैक के साथ काफी बदतमीजी से बात करने लगता है, लेकिन जब वो रिचल को प्रेग्नेंट हालत में देखता है तभी वो रिचल के साथ काफी पोलाइटली बात करता है और उससे पूछता है कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो लड़का है या लड़की, जिसके जवाब में रिचल उसे लड़का कहती है। अब उस आदमी के इस बदलते हुए बिहेवियर से मैक को काफी अजीब लगता है, पर मजबूरी के चलते वो रिचल को लेकर उस आदमी के साथ उसके घर जाने लगता है। रास्ते से होकर जब वो लोग जा रहे थे तभी रिचल एक लड़की को देख पाती है, लेकिन जब वो मैक को उसके बारे में बताती है तभी मैक देखता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। खैर, इसके बाद वो दोनों बॉब के घर पहुँचते हैं जहाँ पर बॉब की बीबी एग्नेस और उसके दो बेटे ल्यूक और डेविड उन दोनों को काफी अच्छी तरीके से स्वागत करते हैं। एग्नेस मैक और रिचल को लेकर घर के अंदर जाती है और उन्हें अपना कमरा दिखाकर कहती है कि कल सुबह तक मदद आ जाएगा, जिसके बाद वो लंच रेडी करने के लिए वहाँ से चली जाती है। इधर उसके जाते ही रिचल मैक से कहती है कि इस फैमिली की बिहेवियर काफी अजीब है और ल्यूक और डेविड को देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो दोनों सगे भाई है। दूसरी तरफ हम एग्नेस को देखते हैं जो कि दरवाजे के बाहर से उन दोनों की बातें को सुन रहा था। खैर, इसके बाद जब वो दोनों लंच कर रहे होते हैं तभी एग्नेस उन दोनों के सामने ऐसे दिखाता है जैसे कि ल्यूक और डेविड उसका सगा बेटा हो। इसी बीच रिचल वहाँ पर एक फोटो में उस लड़की को देख पाती है जिसको उसने रास्ते में देखी थी। रिचल एग्नेस से उसके बारे में पूछती है, जिसके जवाब में एग्नेस कहती है कि वो उसकी एडॉप्टेड बेटी फेथ है जो कि गूंगी है और उसके पिता ने उसके साथ बहुत टॉर्चर किया था, इसीलिए उन लोगों ने उसे एडॉप्ट कर लिया। रात में जब रिचल मैक के साथ सो रही थी तभी उसे एक भयानक सपना आता है और वो जाग जाती है। वो मैक को बताती है कि उसने सपने में फेथ को देखा। अब वो जब मैक को इसके बारे में बता रही थी तभी उसे याद आ जाता है कि उसने कई दिनों पहले फेथ के लापता होने की खबर एक न्यूज़पेपर में देखी थी, इसीलिए उसे इस बात पर यकीन हो जाता है कि फेथ उनकी एडॉप्टेड बेटी नहीं है और जरूर उन्होंने ही फेथ के साथ कुछ बुरा किया होगा, जिसके बाद वो दोनों काफी डर जाते हैं और तुरंत वहाँ से जाने का फैसला करते हैं। अब जब वो लोग घर से निकल कर वहाँ से जा रहे थे तभी वहाँ पर बॉब आ जाता है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि बॉब उन दोनों को कुछ भी नहीं कहता और उन्हें वहाँ से जाने देता है। पर वो लोग जब घर के बाहर पहुँचते हैं तभी ल्यूक और डेविड गन लेकर उनके ऊपर हमला कर देते हैं और वो लोग मैक को मारकर बेहोश कर देते हैं। इसके बाद वो लोग रिचल को भी नहीं छोड़ते और उसको भी मारकर बेहोश कर देते हैं। रिचल जब होश में आती है तो अपने आप को एक बिस्तर में बंधा हुआ पाती है और तभी उसे लेबर पेन होना शुरू हो जाता है, जिसमें एग्नेस उसे बताती है कि मैंने तुम्हारे खाने में एक दवाई मिला दी थी जिससे तुम्हारी वक्त से पहले ही डिलीवरी हो जाएगी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस फैमिली को रिचल के ऊपर कोई भी दिलचस्पी नहीं है, बल्कि वो लोग रिचल के बच्चे को चाहते हैं और इसीलिए वो लोग रिचल को पकड़ कर रखे हैं। दरअसल ये फैमिली एक पागल फैमिली है और ये लोग ऐसे ही प्रेग्नेंट औरतों को पकड़ कर उनके पास से उनके बच्चे को छीन लेते हैं। साथ ही साथ हमें ये भी पता चलता है कि डेविड और ल्यूक भी उनका सगा बेटा नहीं है और उन लोगों ने डेविड और ल्यूक को भी उनके माँ से छीन लिया था, पर वो दोनों भी बॉब और एग्नेस का एक पालतू कुत्ता बन चुके हैं और उनकी हर बात मानते हैं। इधर वो दोनों जब मैक के बॉडी को ठिकाने लगा रहे थे तभी उन्हें मैक का कपड़ा काफी अच्छा लगता है और वो दोनों मैक के
कपड़े को उतार लेते हैं। इसके बाद वो लोग मैक को एक कॉफिन के अंदर डालकर उसके अंदर एक लाइटर को छोड़कर उसे मिट्टी के नीचे दफना देते हैं। दूसरी तरफ हम रिचल को देखते हैं जो कि एक लड़की को जन्म देती है, लेकिन उस लड़की को देखकर बॉब उसके ऊपर गुस्सा हो जाती है क्योंकि रिचल ने उसे बताई थी कि उसका लड़का होगा। खैर अब एग्नेस उस बच्चे को अपने पास रख लेती है, जिस वजह से अपने बच्चे से दूर होकर रिचल को काफी बुरा लगता है और वो वहाँ से फ्री होने की कोशिश करती है। अब काफी देर तक कोशिश करने के बाद वो किसी तरीके से अपने आप को वहाँ से फ्री कर लेती है और एग्नेस के ऊपर हमला करके वहाँ से भागने लगती है। पर तभी वहाँ पर बॉब और उसके दो नाजायज बेटे आकर रिचल को पकड़ लेते हैं और इसके बाद वो लोग रिचल को बाहर शेड में ले जाकर बांध देते हैं क्योंकि अब उन्हें रिचल की ज्यादा जरूरत नहीं थी और वो लोग बस उस बच्चे को दूध पिलाने के लिए ही रिचल को जिंदा रखे थे। इसीलिए जब भी उस बच्चे को भूख लगती थी वो लोग रिचल के साथ जोर जबरदस्ती करके उसे दूध पिलाते थे। साथ ही साथ वो लोग रिचल को एक जंजीर से बांध कर रखे हुए थे और क्योंकि उसने कुछ ही समय पहले एक बच्चे को जन्म दिया है इसीलिए वो कमजोर होकर बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ हम मैक को देखते हैं जो कि होश में आता है और वो देखता है कि वो एक कॉफिन के अंदर बंद है जो कि मिट्टी के काफी नीचे गड़ा हुआ है। अब काफी देर तक वो उस कॉफिन से निकलने की कोशिश करता है और सुबह होते होते वो किसी तरीके से उस कॉफिन से बाहर निकल जाता है। इसके बाद वो इसी हालत में जंगल के अंदर भागने लगता है और तभी उसे जंगल के अंदर से कुछ लोगों की बात करने की आवाजें सुनाई देता है और वो उस आवाज को फॉलो करते हुए उनके पास पहुंच जाता है। वो लोग दो आदमी थे जो कि उस जंगल में घूमने के लिए आए थे। इधर मैक जब उन्हें अपने प्रॉब्लम के बारे में बताता है तभी वो लोग सोचते हैं कि मैक शायद पागल है, इसीलिए वो लोग मैक को अपने से दूर रहने के लिए कहते हैं, जिस वजह से मैक को उन दोनों के ऊपर गुस्सा आता है और वो उन दोनों के ऊपर हमला करके उन्हें एक पेड़ में बांध देता है। इसके बाद मैक उनमें से एक आदमी के कपड़े को पहनकर वहां से जाने लगता है, लेकिन जाते जाते वो उन्हें एक चाकू देकर जाता है ताकि वो लोग वहां से फ्री हो सके। दूसरी तरफ रिचल जब होश में आती है तभी वो अपने सामने फेथ को देख पाती है और वो उससे मदद मांगती है, लेकिन फेथ उसकी मदद किए बिना ही वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद ल्यूक और डेविड रिचल के पास आता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैक भी वहां पर पहुंच चुका था और वहां पर पहुंच कर वो फेथ को देखता है जो कि मैक को उस शेड की तरफ इशारा करती है, जिससे मैक समझ जाता है कि रिचल जरूर उस शेड के अंदर है। इसीलिए वो उस शेड के अंदर जाता है और ल्यूक और डेविड के ऊपर हमला करके उसे जान से मार डालता है। इसके बाद वो रिचल को वहां से फ्री करके अपने साथ लेकर जाने लगता है, लेकिन तभी वहां पर बॉब भी एक गन लेकर आ जाता है और वो अपने दोनों बेटों को मरा हुआ देखकर उन दोनों के ऊपर बौखला जाता है और गन से मैक के ऊपर शूट करने लगता है। यहाँ पर मैक गोली खाने के बावजूद रिचल को वहां से भागने के लिए कहता है, लेकिन रिचल मैक को इस हालत में छोड़कर वहां से जाना नहीं चाहती थी, जिस वजह से बॉब रिचल को भी मारकर बेहोश कर देता है। इसके बाद रिचल जब होश में आती है तभी वो अपने आप को फिर से बंधा हुआ पाती है, जहां पर उसके सामने फेथ भी जंजीर से बंधी हुई थी और वो वहां से फ्री होने की कोशिश कर रही थी। यहां पर रिचल उससे मदद मांगती है और वो दोनों किसी तरीके से उस दीवार को तोड़कर वहां से निकल जाते हैं। अब रिचल वहां से फ्री होकर घर के अंदर जाती है और अपने बच्चे को ढूंढने लगती है। दूसरी तरफ हम बॉब और एग्नेस को देखते हैं जो कि अपने मरे हुए बेटे को दफन कर रहे थे। यहां पर एग्नेस काफी दुखी थी इसीलिए वो घर जाने से इनकार कर देती है और बॉब अकेला ही घर वापस आने लगता है। इधर घर के अंदर रिचल जब अपनी बेटी को लेकर वहां से भाग रही थी तभी वहां पर बॉब आकर रिचल के ऊपर गन पॉइंट कर देता है। रिचल यहां पर उससे कहती है कि मैं बस अपनी बेटी को दूध पिलाने के लिए यहां पर आई हूं और दूध पिलाकर मैं यहां से चली जाऊंगी, जिसके बाद बॉब अपने गन को नीचे रख देता है और तभी रिचल उसके ऊपर एक चाकू से हमला करती है और उसे जान से मार डालती है। अब रिचल उसके फोन को लेकर पुलिस को कॉल करती है, लेकिन पुलिस को वो ये नहीं बता पाती है कि वो अभी कहां पर है क्योंकि उसे उस जगह के बारे में कुछ भी पता नहीं थी। दूसरी तरफ एग्नेस भी घर में वापस आ गई थी और वो शेड की दरवाजा को खुला हुआ देखकर समझ जाती है कि रिचल जरूर घर के अंदर होगी, इसीलिए वो एक गन को लेकर घर के अंदर आने की बजाय उस घर के चारों तरफ घूमने लगती है। इधर रिचल फेथ और अपनी बेटी को लेकर उस घर से निकल जाती है और बॉब के कार में बैठकर वहां से भागने की कोशिश करती है, पर कार के अंदर बैठते ही उसे पता चलता है कि एग्नेस ने उस कार को पूरी तरीके से खराब कर दिया है, इसीलिए वो उस कार से उतरकर एग्नेस को मारने के लिए जाती है, लेकिन क्योंकि उसे गन चलानी नहीं आती थी इसलिए उसकी गोली निशाने से चूक जाती है और उधर एग्नेस उसके पैर में गोली मारकर उसे घायल कर देती है। इसके बाद एग्नेस जब उसके पास जाती है तभी हम देखते हैं कि घायल होने के बावजूद रिचल एग्नेस के ऊपर हमला करती है और उसके सर को पटक कर उसे जान से मार डालती है। अब उसके मर जाने के बाद वो अपनी बेटी और फेथ को लेकर जंगल से होकर जाने लगती है, लेकिन उसकी तबीयत इतनी खराब थी कि उससे एक भी कदम चला नहीं जा रही थी, इसीलिए वो वहीं पर ही गिरकर बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वहां पर पुलिस भी उसे ढूंढते हुए वहां पर पहुंच जाते हैं
हैं और वो लोग रिचल को रेस्क्यू कर लेते हैं। अब वो लोग जब रिचल की ट्रीटमेंट कर रहे थे तभी रिचल देखती है कि वहाँ पर एग्नेस भी आ गई थी जो कि अभी तक मरी नहीं थी। यहाँ पर एग्नेस रिचल को फिर से मारने की कोशिश करती है लेकिन तभी वहाँ पर कुछ पुलिस ऑफिसर एग्नेस के ऊपर शूट करके उसे जान से मार डालते हैं। इसके बाद रिचल देखती है कि उसके पास से फेद गायब है जिसको देखकर उसे पता चलता है कि फेद कोई जिंदा लड़की थी ही नहीं बल्कि उसके साथ फेद बनकर जो थी वो फेद की आत्मा थी जो कि उसे वहाँ से निकलने में मदद कर रही थी। और दोस्तों इसी के साथ ही इस मूवी की कहानी खत्म हो जाती है।